जानना चाहेंगे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में खैरगढ़ उपचुनाव पर कांग्रेस का मंथन देखने को मिल रहा है, इस पर क्या जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सोनाली, जो खैरागढ़ उपचुनाव होने हैं, जो दिवंगत नेता देवव्रत सिंह जो जोगी कांग्रेस से थे, उनकी सीट खाली होने के बाद उपचुनाव की घोषणा सरकार ने की थी, निर्वाचन आयोग ने की थी। इसके बाद से चुनाव की पूरी तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी एक्सरसाइज करने में जुटी है कि किस तरह से वहां किन किन प्रत्याशियों के नामों को मंगाना है, उसके बाद उसमें सर्वे के आधार पर किन किन नामों को चुना जाना है, ये कांग्रेस तय करने वाली है। इसी कड़ी में कल देर रात तक ये बैठक चली, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो आला नेता थे चुनाव कमेटी के, वो मौजूद रहे। इस दौरान काफी माथापच्ची की गई कि किस तरह से ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो चुनाव है वो चुनाव एक सीटों पर चुनाव होना है, और ये वर्तमान में सत्ता पक्ष में यदि कांग्रेस है तो उनके लिए एक चुनौती हो जाती है कि जैसे भी करके उस चुनाव को जीतना। जाहिर तौर पे कांग्रेस ने अपनी पूरी कोशिश तेज कर दी है, सारी कवायदें उन्होंने तेज कर दी है, और इसी कड़ी में जल्द ही नामों की भी घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। जी ओम प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि इस उपचुनाव को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने भी काफी कुछ कहा है, और काफी आने वाले समय में दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं उनके द्वारा। जी बिल्कुल, ये उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ता के लिए नाक का सवाल होता है, क्योंकि अगर राज्य में उनकी सत्ता है तो जाहिर तौर पे जो उपचुनाव होंगे एक सीटों दो सीटों पर यदि उपचुनाव होते हैं तो उन्हें जीतना उनकी एक चुनौती हो जाती है, क्योंकि ये एक सरकार चुकी है। अब ये अंदर की लड़ाई बाहर आ चुकी है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस टूट के कगार पे पहुंचेगी, ये तय है। नाम तकरीबन कांग्रेस कमेटी के पास आए हैं, उन नामों में एक नामों पर विचार किया जाएगा, वो भी सर्वे के आधार पे कि कौन सा प्रत्याशी जो है अमुक नेता है वो वहां जीत कर वापस सदन में आ सकते हैं।